हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान की पाठ्य योजना। और वीडियो अगर देखें, अगर आप तो पूरी वीडियो देखें, जिससे आप लोगों को मैं जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ, वो आप लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आप लोग लेसन प्लान की वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से लेसन प्लान बनाना सीख जाएँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे देखने के बाद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे हर रोज़ एक नई पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आपको पता है कि पाठ्य योजना लिखना होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिएगा, जैसे पाठ्य योजना 1, 2, 3, 4 जो भी होगी इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया बायोलॉजिकल साइंस, लेकिन आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो जीव विज्ञान लिख सकते हैं। क्लास 9th है, डेट यहाँ पर डाला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट पर आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। अपने कॉलेज का नाम लिखना है, जिस स्कूल में जाएंगे इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए। पीरियड है 3rd, अगर इसको आप कालांश लिखते हैं, चक्र लिखते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रकरण लिखना होता है, टॉपिक जैसे यहाँ पे लिखा गया विषय, इसी तरीके से आपके कॉलेज में बोला गया होगा कि प्रकरण लिखा जाता है, विषय को ही प्रकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आपका हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, सामान्य उद्देश्य हिंदी में कहते हैं। इसमें कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। आपका जो टॉपिक विषय होता है, जैसे आज आपका विषय है जीव विज्ञान का या फिर साइंस पढ़ा रहे हैं आप, तो ये टॉपिक पढ़ने, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण तथा तार्किक शक्ति का विकास करना। 3rd पॉइंट है छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। 4th पॉइंट है छात्रों में से अंधविश्वास की भावना को दूर करना। 5th पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। 6th पॉइंट है छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता समझाना। और 7th पॉइंट है छात्रों में चित्र बनाने की कुशलता उत्पन्न करना। ये तो हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब आता है आपका जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालिएगा, इसके अंतर्गत आपको पहला हेडिंग डालना है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है, आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक अम्ल, तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक में लिखा गया छात्र न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक, इसमें देखिए लिखा गया छात्र न्यूक्लिक अम्ल की व्याख्या कर सकेंगे। 3rd पॉइंट है प्रयोगात्मक, इसमें देखिए लिखा गया है छात्र न्यूक्लिक अम्ल का विश्लेषण कर सकेंगे। 4th पॉइंट है सृजनात्मक, इसमें देखिए लिखा गया है छात्र न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सकारात्मक सोच विकसित कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे टीचिंग एड्स, यानी कि अध्यापक सहायक सामग्री। किन किन सहायक सामग्रियों की सहायता लेंगे आप टीचिंग करने के टाइम पे? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान हेडिंग, पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र सामान्य केंद्रक की जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में यानी कि प्रीवियस नॉलेज में लिखा गया है छात्र सामान्य केंद्रक की जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना। प्रस्तावना यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रस्तावना प्रश्न, इसको इसमें कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न पूछना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछना होता है। अपना प्रकरण निकलवाया जाता है प्रस्तावना प्रश्न के जरिए से, यानी कि आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। इस तरीके से आप प्रश्न पूछेंगे 3 से 4 प्रश्न 5 प्रश्न कि आपका लास्ट में आपका प्रकरण निकल आए। तो यहाँ पे देखिए छात्रों का पूर्व ज्ञान का यहाँ पे उपयोग करके प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि छात्र के जैसे कक्षा 9 के हैं तो कक्षा 12 का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उस लेवल का नहीं है। कक्षा 9 के हैं तो कक्षा 7, 8 लेवल का आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? तो बच्चे उसका आंसर यहाँ पे दिए हैं, जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आया कोशिका, उसके बाद दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो कोशिका से बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे केंद्रक को। अब तीसरा प्रश्न किससे बनेगा? केंद्रक से बनेगा। तो तीसरा प्रश्न बनाया है केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन, केंद्रिका, न्यूक्लिक अम्ल। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे आपका बन जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूक्लिक अम्ल मिला हुआ था आंसर में।
जैसे आप पूछेंगे न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, बच्चे हो सकता है कोशिश करें बताने की, नहीं बता पाएंगे ज़्यादातर बच्चे, तो ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल कक्षा 9 के लेवल का है, कक्षा 8 में वो लोग नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में, तो नहीं बता पाएंगे। जैसे ही बच्चे नहीं बता पाए, अपना उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आपको जिस तरीके से यहाँ पे हेडिंग वाइज लिखना है उस तरीके से लिख लीजिएगा, उसके अंदर क्या लिखना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन में लिखा गया बच्चों, मतलब उद्देश्य कथन का मतलब ये होता है कि बच्चों को बताएंगे कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों आज हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, अब उसको आप पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने के लिए प्रस्तुतिकरण यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा। प्रस्तुत करना, उस चैप्टर को प्रस्तुत करने का मतलब है, प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखा जाता है इसके अंतर्गत। इसमें पहले यहाँ पे एक लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का। यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या देंगे आप, मतलब छात्र अध्यापक कथन क्या होगा। ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा भी गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया पाठ्यवस्तु, यानी क्या पढ़ाएंगे आप, ठीक है। टीचर्स एक्टिविटी यहाँ पे लिखा गया, शिक्षक क्रियाएं, ठीक है, इसको नहीं लिखना है इसमें आपको प्रस्तुतिकरण में। उसके तीसरा कॉलम बनता है यहाँ पे छात्र क्रियाएं, यानी कि पीपल्स एक्टिविटी। यहाँ पे है तकनीकी एवं साधन, टीचिंग्स एंड एड्स, यानी कि किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, किस तकनीक का यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे आपको श्यामपट कार्य लिखना होता है लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला शिक्षण बिंदु है न्यूक्लिक अम्ल, पहला शिक्षण बिंदु है न्यूक्लिक अम्ल। शिक्षक उसके बारे में बताएगा, स्वीडन के जैव रसायन फ्रेडरिक मिसर, यानी 1869 में ने पस कोशिकाओं के केंद्रक से ऐसे रासायनिक पदार्थ को अलग किया जिससे, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा अब देखने के लिए, फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और सल्फर बिल्कुल नहीं था। क्योंकि प्रोटीन में सल्फर अवश्य होता है और फास्फोरस नहीं होता, अतः यह पदार्थ प्रोटीन नहीं हो सकता। न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारण फ्रेडरिक माइसर ने इस पदार्थ को अम्लीय के आधार पर न्यूक्लिक नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। फिर अम्लीय प्रकृति के आधार पर, यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अम्लीय प्रकृति के आधार पर एल्टमान 1879 ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल कहा। कुछ समय बाद ही कोसेल ने 1893 में न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक घटकों का पता लगाया। इसके लिए कोसेल ने सन 1910 में नोबेल पुरस्कार पाया था, उसको मिला था। छात्र वाले कॉलम में देखा लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आपका व्याख्या विधि था तो यहाँ पे आप व्याख्या विधि लिख दीजिए। विधि वाले कॉलम में श्यामपट कार्य में आपको देखे लिखा गया है फ्रेडरिक माइसर ने एस कोशिकाओं यानी कि से केंद्रक से उसको अलग किया था। और श्यामपट कार्य पे आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे उसको श्यामपट कार्य वाले कॉलम में लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको लिख दीजिएगा आपको क्या उसमें लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, न्यूक्लिक अम्ल के पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, इस तरीके से आप बोध प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्यामपट कार्य में आप देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड लिखा गया, एक साइड लिखा गया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरी तरफ ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखिए क्या लिखा गया। विकासात्मक प्रश्न जो मैंने अभी बताया, एक बोध प्रश्न होता है एक विकासात्मक प्रश्न होता है। पॉइंट पढ़ाने से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, पॉइंट पढ़ाने के बाद आप बोध प्रश्न पूछते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा गया केंद्रक पदार्थ, पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न ये है, ठीक, न्यूक्लिक नाम दिया था किसने, तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर मिलेगा फ्रेडरिक माइसर ने। दूसरा डीएनए कैसा पदार्थ है, तो दूसरा का आंसर मिलेगा अनुवांशिक पदार्थ है, यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ है। तीसरा प्रश्न है आरएनए की पूरा नाम बताइए, तो यहाँ पे आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि एसिड। प्रश्नोत्तर विधि थे यहाँ पे, प्रश्न पूछ रहे थे तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए छात्रों से बोध प्रश्न पूछा गया है जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड, केंद्रक पदार्थ किस यौगिक से बना होता है, तो बच्चे बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन यौगिक का बना होता है। दूसरा प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार बताइए, तो बच्चे बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड।
तीसरा प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे कोशिकाओं में, केंद्रक में पाया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब डीएनए की संरचना के बारे में बताएंगे, दूसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे डीएनए की संरचना परिचय। यहाँ पे देखिए डीएनए के बारे में बताएंगे आप। डीएनए जीवों में पाए जाने वाले सबसे बड़े अणु हैं। डीएनए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बृहद हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है। इन एकलकों की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए कहते हैं। अतः डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। प्रत्येक डीएनए अणु निम्न तीन यौगिकों से के एक एक अणु से जुड़ के बना होता है, पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा फास्फोरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रोजनिक क्षारक। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सामने कथन में इसी चीज़ को जो आपने बताया कौन कौन सी चीज़ें होती है डीएनए में, उसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, पेंटोज शर्करा। उसके बाद यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे संरचना के बारे में बताया गया है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्रथम नाइट्रोजनिक क्षारक से बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाती है, जिसे डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं, ठीक है। राइबोसाइड लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सैंपल पे देखकर समझ रहे हैं उस चीज़ को जो आप बता रहे हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड्स, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक अणु पांच कार्बन वाली पेंटोज शर्करा का, दो अणु फास्फोरिक अम्ल का और एक अणु नाइट्रोजनिक क्षार का होता है। छात्र वाले कलम सेम चीज़ लिखना है आपको, हर बार रिपीट करना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्रों से डीएनए की संरचना का जानकारी प्रदान करना, छात्रों को डीएनए की संरचना की जानकारी प्रदान करना है यहाँ पे आपका उद्देश्य था, तो आपने वो पूरा कर लिया। उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बताया गया, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हजारों या लाखों की संख्या में विभिन्न क्रमों में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला बनाते हैं। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, 1953 में वाटसन एवं क्रिक तथा विलियम ने डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। पहला डीएनए अणु को दो वलयों या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में बना होता है। दूसरा है डीएनए अणु एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है। तीसरा, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। छात्र वाले कॉलम में ध्यानपूर्वक लिख दीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे डीएनए का फिगर बना दीजिए सैंपल पे। उसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न होगा यहाँ पे डीएनए की संरचना से रिलेटेड। नाइट्रोजनिक क्षार कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बोलेंगे ये चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एडिनाइन, गुआनाइन, थायमीन और साइटोसाइन, ठीक है। आरएनए का पूरा नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब बोध प्रश्न पूछिए, डीएनए क्या है, तो बच्चे बोलेंगे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड में एक अणु 5C मतलब कार्बन वाली शर्करा पेंटोस और दूसरा क्या है एक अणु S3PO4 का और तीसरा एक अणु नाइट्रोजनिक क्षार का होता है। आपको जो पहले बताया जा चुका है वही चीज़ है। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लीजिए यहाँ पे। पहला प्रश्न है पुनरावृत्ति में, वाटसन एवं क्रिक मॉडल में क्या प्रस्तुत किया गया, तो बच्चे बोलेंगे डीएनए की संरचना को प्रस्तुत किया गया। दूसरा प्रश्न है नाइट्रोजनिक क्षार कितने प्रकार का होता है, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे नाइट्रोजनिक पदार्थ बताया गया है, एडिनाइन, गुआनाइन, थायमिन, यूरैसिल और साइटोसिन। मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया है, पहला डीएनए का महत्व बताइए, बच्चे बोलेंगे यह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैव क्रियाओं को नियमन करता है। आरएनए का कार्य बताइए, दूसरा प्रश्न है, तो बच्चे बोलेंगे आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब लास्ट में आता है लेसन प्लान में गृह कार्य यानी कि होमवर्क। होमवर्क में देखिए यहाँ पे तीन प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है डीएनए का अणु मॉडल प्रस्तुत कीजिए। दूसरा प्रश्न है पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। इसको बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे गृह कार्य को। इसी इस टाइम पर आप क्लास में घूम घूम के देखेंगे कि बच्चे आपकी जो गृह कार्य आपने दिया वो नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नोट कर रहे हैं तो अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है हमारी। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं जैसे ही लेसन प्लान अपलोड करता हूँ वीडियो, उसी के साथ लेसन प्लान के नाम के साथ ही
PDF ही उसी नाम से वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, और ऐसे ही डेली बेसिस पे नए नए पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।